नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर विंडोज एंड बालकोनी प्लांट्स पर। फ्रेंड्स, ये मेरा एक विंडो है। पहले मैं यहाँ पर एक दो वीडियो शायद डाली थी मेरे चैनल पर, क्या ब्रह्मा कमल कामिनी प्लांट्स के बारे में कुछ, लेकिन मैं सारे प्लांट्स आज यहाँ पर हटाकर मैं दूसरे स्टाइल पर उसको सजाना चाहती हूँ। ये हैंगिंग पॉट में बहुत सारे प्लांट्स मैं लगाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये है एक मार्बल पोथोस क्वीन मनी प्लांट्स इसको बोलते हैं। इसका पत्ते दूसरे पत्ते जो नॉर्मल मनी प्लांट्स है उससे थोड़ा अलग है। इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं वो नर्सरी वाले, लेकिन हम लोग छोटे छोटे कटिंग से अगर प्लांट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो प्लांट्स बन जाएगा। ये कोलियस का एक पौधा है, इसको मैंने कटिंग से ग्रो की हूँ और ये पीस लिली का प्लांट से, ये ब्रोकन हार्ट का प्लांट्स। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। ये स्पाइडर प्लांट्स है जो ब्रोकन हार्ट का प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से वो बहुत अच्छी तरह से उसका ग्रोथ देखिए बहुत अच्छी तरह से हुई है। इतना लटक गया है, मैं सोच रही हूँ उसको एक मस्टिक पर कभी बनाऊंगी मुझे टाइम मिलेगा तो। फ्रेंड्स देखिए, ये ट्रायंगल हार्ट है, दो कंटेनर में मैंने ट्रायंगल हार्ट उसमें लगाया है। फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी प्लांट्स पर केयर करती हूँ उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स पहले मैं विंडो पर बालकनी करती हूँ, गार्डनिंग जो मैं बालकनी पर करती हूँ। देखिए ये एग्लोनोमा का प्लांट से मैं कटिंग से उसको ग्रो की हूँ। ये वाला पिंक एग्लोनोमा जो है मैं उसको ख़रीद कर लाई हूँ। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा लेते हैं वो नर्सरी वाले। मेरे पास पांच तरह का एग्लोनोमा शायद है अभी है, मैं लेकिन मैं दूसरे कलेक्शन करूँगी और आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। देखिए कितना सुंदर पौधा है, ये बुद्ध जी का एक सेरामिक पॉट में लगाया हुआ सुंदर सा एग्लोनोमा है। देखिए ये लिपस्टिक एग्लोनोमा है, मैं छोटे छोटे कंटेनर में उसको ग्रो की हूँ। फ्रेंड्स हम लोग चाहेंगे तो छोटे से छोटे जगह पर भी गार्डनिंग कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बाम्बो का एक लकी बाम्बो इसको बोलते हैं, चाइनीज बाम्बो है। इसका ग्रोथ देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उसको भी साइज में भी जो करके बना कर दिखाते हैं लेकिन मैं ऐसे ही लगा ली। देखिए ये मार्बल मनी प्लांट्स है, इसका ग्रोथ दूसरे वाले मनी प्लांट से थोड़ा कम है लेकिन इसका ब्यूटी बहुत सुंदर है। इसको मैं घर पर एक मास्टिक बनाकर मैं उस पर लपेट ली हूँ और देखिए इसका ग्रोथ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। पानी पर भी अच्छी तरह से वो पोथोस लग जाता है। उसको मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे कटिंग मैंने कलेक्ट करके पानी में रखती हूँ, उसके बाद मिट्टी पर लगा लेती हूँ। ये सेंसबेरिया है ड्वर्फ वेराइटी में, ये पाम का एक प्लांट्स है, छोटा वाला पाम। ये स्नेक प्लांट से एयर प्यूरीफायर बहुत अच्छी तरह से वो एयर को प्यूरीफाई करती है, जो एयर को शुद्ध कर लेती है। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा छोटे से जो विंडो है कितना खूबसूरत लग रहा है सारे पौधे में। ये वाला इसका पत्ते बहुत खूबसूरत लगता है। पहले फ्रेंड्स मैं मिट्टी के बारे में बात कर लेती हूँ। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मिट्टी पर मैं ज़्यादा काम करती हूँ। पहले तो मैं जो गार्डनिंग करती हूँ अपार्टमेंट में करती हूँ, मेरे पास इतने सारे प्लांट्स है, इतना ज़्यादा प्लांट्स मेरे पास है लेकिन जो जगह की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन मैं कुछ इधर से उधर प्लांट्स करती हूँ। ये मेरा छोटा सा विंडो है, उस पर मैं बालकनी पर भी एक बालकनी है, दो बालकनी है, मैं वहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट्स रखती हूँ, कभी दिखाऊंगी फ्रेंड्स। मेरे बालकनी पर भी बहुत सारे प्लांट्स का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पर, आप लोग जाकर देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स अभी तक मेरे
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा भी लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँगी पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, पहले मिट्टी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। लाइट वेट मिट्टी में प्रिपेयर करती हूँ, इतना ऊपर मैंने गमले जो रखती हूँ इसीलिए मैं 50% कोकोपीट से मिट्टी प्रिपेयर करके उसके बाद मैं थोड़ी सी रेत 25% रेत और 25% मैंने भर्मी कंपोस्ट, उसके बाद थोड़ी सी नीम खल, इसको लगा कर ये मिट्टी प्रिपेयर करके सारे पौधे लगाई हूँ। ये मिट्टी बहुत वेल ड्रेन सॉइल है, पानी हमेशा चेक करके देना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, डिस्टेंस में वो मेरा जो विंडो कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग चाहेंगे तो छोटे से छोटे जगह पर भी गार्डनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं जो मिली बॉक्स वगैरह का जो भी अटैक होता है, यहाँ पर मेरे धूप कम 1 आवर शायद आती है इस विंडो पर। मिली बॉक्स वगैरह जो होती है, मैं 15 डेज के बाद में सारे पौधे को मैंने चेक करके उस पर स्प्रे भी करती हूँ, उस पर थोड़ा डिटर्जेंट मिला लेती हूँ। उसके बाद अगर मिट्टी पहले से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते तो इतना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लांट्स मेरे पास बहुत दिन से रखे हैं, वो सारे स्वस्थ हरे भरे हैं। सिर्फ मैं पानी से, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पानी से भी स्प्रे कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो में आप लोग को कुछ भी जानकारी मिलती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।